ओम शांति। और अभी समय लास्ट समय है और हमें क्या करना है, मंजिल बहुत ऊंची है और हमें तीव्र गति से संपूर्ण बनना है। जितनी कोई बात होती ना तो विधियां भी ऐसी निकलती आती हैं। आप देखिए शुरू में क्या था, लेटर डालते थे आते थे, फिर साइकिल निकली, फिर बस से जाते हैं। अभी क्या है, अगर दूर जाना है तो साधन उसी प्रकार का लेना पड़ेगा। अगर लंदन जाना है तो क्या चाहिए, एरोप्लेन से जाएंगे। देखो पहले इतना था तो लेटर डालते थे, अभी दुनिया बढ़ गई तो फटाफट क्या हो गया, मोबाइल, मोबाइल से मैसेज भेज दो। तो जितना हम उस प्रकार से ये साधन भी होते जाते हैं उसी प्रकार से। अब लास्ट में आए हैं, फास्ट जाना है, तो उसके लिए बाबा ने विधि भी उसी प्रकार की बताई हुई है। शुरू में जब आए जो ज्ञान में, उनको क्या पाठ पढ़ाते थे बाबा, ऐसे वो बना दिया कागज पे एक कंगाल टाइप बना दिया और क्या पढ़ाते थे, तुम आत्मा हो, है नहीं, आत्मा का पाठ पढ़ाते थे, ये भी आत्मा फलाने भी आत्मा। अभी बाबा ने कहा तुम आत्मा तो हो, आत्माएं तो सभी हैं, लेकिन तुम कौन सी आत्मा हो। अपना इस सृष्टि चक्र में पाठ देखो कि हम कौन सी आत्मा हैं, इस नाटक में हमारा कौन सा पार्ट है, कैसे कैसे हम इस सृष्टि चक्र में हमने पार्ट बजाया है। जो बाबा कहते हैं ना, इतने जन्म तुमने सतयुग में ली थी, इतना त्रेता में लिए, सतयुग में ऐसे थे, वो केवल वो जन्म केवल जानने के लिए नहीं है, लेकिन उनको बार बार स्मृति में लाकर स्वरूप बनने के लिए है। क्योंकि जो चीज़ हम बार बार हम स्मृति में लाते हैं वही हमारा स्वरूप बन जाती है। जैसे आपको उसका वैज्ञानिक तरीका वो बनाता है, व्याख्या करते हैं। देखो दो प्रकार का माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा कौन सा है, सब कॉन्शियस माइंड। देखो सभी को पता है कॉन्शियस माइंड कितना है, 10%। अब सबकॉन्शियस माइंड कितना है, 90%। कोई भी और सबकॉन्शियस माइंड है वो चेतन मन है, यानी वो संकल्प करता है। अब सबकॉन्शियस माइंड है वो जड़ है, एक तरह से लेबर के समान है। सबकॉन्शियस माइंड की ये बात है कि उसको जो काम दे दोगे वो उसको पूरा करेगा। उसके अंदर थिंकिंग पावर नहीं है कि ये बात अच्छी अथवा बुरी है, लेकिन उसको जो कमांड मिल जाता है ना वो उसको पूरा करता। तो उसको जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको कमांड किससे मिलता है, वो संकल्पों की भाषा और चित्रों की भाषा समझता है। जैसे आप देखते ना, सबकॉन्शियस में जन्म जन्मांतर की बातें होती हैं, इस जन्म की भी हैं। तो आप देखो कोई बात हुई, कोई घटना घटित हुई, तो क्या बोलचाल हुई वो याद नहीं होगा, लेकिन उस समय का चित्र बुद्धि में होगा, ऐसे ऐसे हुआ था, वो चित्र के रूप में होगा, लेकिन बातचीत याद नहीं रहती, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में किसके रूप में हो गया, चित्र के रूप में स्टोर हो गया। तो सबकॉन्शियस माइंड को हमें क्या करना है, सब बातें किसमें भेजनी है, सबकॉन्शियस माइंड में भेजनी है, उसको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट कैसे होगा, देखो तो क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है ना उसमें न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स में बिजली पैदा होती है और उस बिजली की फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे ये बिजली है ना, इसकी
ऐसी जो माइंड में भी बिजली पैदा होती है तो उस फ्रीक्वेंसी के आधार पर उनको वेव्स बोलते हैं। एक होती बीटा वेव्स, बीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है 14 से 30 तक। जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, बोलचाल में आते हैं और इधर उधर घूमते हैं ना, कर्म में आते हैं, तो हमारे जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है बीटा रेंज में, ठीक है ना। उसके नीचे होती अल्फा, तो अल्फा की रेंज होती है 7 से 14, है नहीं। जब ब्रेन वेव्स अल्फा रेंज की फ्रीक्वेंसी होती है 7 से 14, जब हमारा मन शांत होता है, इधर उधर की है नहीं, अच्छा चिंतन चल रहा है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, हैं, तो हमारा मन शांत है, उसमें ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 7 से 14 तक। अब जब और ज़्यादा मन, जैसे मेडिटेशन किया और सूक्ष्म बतन बाबा को याद किया अच्छी तरह से, फरिश्तेपन का अनुभव कर रहे हैं, तो और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, वो होती है 4 से 7। और बिल्कुल योग में क्या है, अशरीरीपन का अनुभव हो गया, मालूम पड़ेगा अपना देह और देह के दुनिया की किसी की शुद्ध बुद्ध नहीं है, हम परम धाम में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, एकदम अशरीर, किसी की स्मृति नहीं है। तो उस समय डेल्टा स्टेज बोलते हैं, और डेल्टा की फ्रीक्वेंसी होती है 3 तक, ठीक है ना। तो इन ये ब्रेन में हमारी फ्रीक्वेंसी चलती रहती है। अब हमें क्या करना है, सबकॉन्शियस माइंड में भेजना कोई चीज़ है, तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, उसमें भेजने के लिए ना जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी अल्फा रेंज की चाहिए, मन कैसा हो, शांत। जब मन शांत होगा तब हमारे ब्रेन से जो चीज़ है ना अंदर पड़ी हुई वो बाहर आएंगी, और कोई चीज़ मन शांत होगा तब कोई चीज़ हम उसके अंदर भेज सकते हैं। जैसे कोई बात आपको याद नहीं रही, किसी का नाम भूल गए, कोई चीज़ रखी हुई भूल गए, तो क्या कहते हैं, शांत मन से याद करना, अंदर में है लेकिन मन क्या है, अशांत है, इसलिए वो बाहर नहीं आ रही है। मन शांत होगा तो अंदर की जो बात है वो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी और स्मृति में आ जाएगी। इसी प्रकार से जैसे अंदर की बात बाहर लाने के लिए मन शांत चाहिए, इसी प्रकार से बाहर की जो बात है ना अंदर डालने के लिए मन कैसा चाहिए, शांत चाहिए, ठीक है ना। दोनों प्रकार का मन शांत चाहिए। तो सबकॉन्शियस में भेजने के लिए अल्फा रेंज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, मन शांत होगा तब हम कोई चीज़ उसमें भेज सकते हैं। तो योग में जब हम याद करते हैं ना, उस समय कैसा होना चाहिए, केवल योग ही नहीं लगाना लेकिन उस समय हमारा मन कैसा होता, शांत होता। तो उस समय अगर आपने अभ्यास किया, आत्मा हूँ मैं, महान आत्मा हूँ, तो वो बात कहाँ चलेगी, सबकॉन्शियस में चलेगी। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, आपको महान बनाने में लग जाएगा, वो ऐसा संबंध संपर्क क्रिएट करेगा, दुर्गा गुण धारण करेगा, जिससे आप क्या बनेंगे, महान बनेंगे, है नहीं। तो कोई भी चीज़ सबकॉन्शियस में चली जाती है तो वो उसको बढ़ाता है, इसलिए कोई भी उल्टा संकल्प नहीं करना है, है नहीं। उल्टा संकल्प करेंगे तो वो सबकॉन्शियस में चला जाएगा, है नहीं। अब जैसे कोई बीमार है मान लो, और उसके कोई चीज़ बार बार स्मृति में लाते हैं तभी की सबकॉन्शियस में जाती है, और उसको
ये याद आया कि हम बहुत बीमार हैं, बहुत तबीयत खराब है, तो क्या होगा? बार बार याद आता तो बीमारी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। और उसकी बुद्धि में ये आया कि ये तो कुछ भी नहीं, अभी हम ठीक हुए कि हुए, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, कल चलेंगे फिरेंगे, सब काम करेंगे, नहीं तो उसका सब वो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उसको ठीक करने में लग जाएगा। इसलिए मन में कोई भी इसका चिंतन नहीं करना। मान लो कोई अवगुण किसी का, अपना अवगुण बार बार स्मृति में लाते, चलो अपना नहीं किसी दूसरे का अवगुण बार बार स्मृति में लाते, तो दूसरे का अवगुण भी बार बार स्मृति में लाने से वो सबकॉन्शियस नहीं सोचेगा कि ये अपना है, इसका उस अवगुण को और ज्यादा बढ़ाएगा। अगर ज्यादा किसी का अवगुण चिंतन किया तो वो अवगुण भी आपके अंदर आ जाएगा, है नहीं। अगर जैसे गुणवान का व्यक्ति का संग करते हैं, गुणों को याद करते हैं तो गुण आते हैं, अवगुण का चिंतन करते हैं तो अवगुण आते हैं। तो इस प्रकार से योग में हमें क्या करने है, चलते फरते क्या करना है, जो हमें बाबा ने वैरायटी प्रकार के सम्मान दिए हैं, टाइटल दिए हैं, यानी उसको भी योगी नहीं लगाना, लेकिन हम त्रिकालदर्शी हैं, हम पूज्य आत्मा हैं, हम श्रेष्ठ आत्मा हैं, हम परम पवित्र आत्मा। मान लो कोई अवगुण भी है, लेकिन आपने सोचा हम परम पवित्र आत्मा हैं, वो आपको परम पवित्र बनाने लग जाए। एक बात और भी है, जैसे कोई टंकी है, बाबा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे टंकी है उसमें गंदा पानी है, तो अच्छा पानी डालोगे तो गंदा पानी निकलेगा ऑटोमेटिक। इसी प्रकार से जब आप अच्छे संकल्प अंदर से जाओगे तो गलत संकल्प निकलेंगे भी। तो ऐसे नहीं सोचना कि आज तो हमने पुरुषार्थ के लिए बहुत अच्छा लक्ष्य रखा था और ये गंदगी कहाँ से आ गई, वो आया है, आपने लक्ष्य रखा है, लेकिन जो गलत संकल्प आया वो किसके लिए आया, निकलने के लिए। क्योंकि जब माइंड शांत होगा तो अंदर की जो गंदगी है वो बाहर निकले भी, जितना अंदर डालोगे अच्छा तो गंदा बाहर निकलेगा भी, ठीक है ना। ओम शांति।